पटना समेत पूरे बिहार में जश्न मनाया जा रहा है। पुलवामा शहादत मामले में पाकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई से मुजफ्फरपुर में जबरदस्त खुशी की लहर है। इस सैन्य कार्रवाई के समर्थन में युवा सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। जिले में कई स्थानों पर लोगों ने सरकार के इस कदम के समर्थन में आतिशबाजियां की। भारत माता की जय और वंदे मातरम नारे से आसमान गूंज रहा है। युवाओं ने कहा कि देश के 125 करोड़ जनता के मन का काम प्रधानमंत्री ने किया है। पुलवामा हमले में शहीद हुए तारेगना के संजय कुमार सिन्हा के परिवार वालों ने बताया कि शहीद बेटे के श्राद्ध से पहले हुई कार्रवाई। इसकी जानकारी जब उन्हें टीवी से मिली तो बहुत खुशी हुई। शहीद संजय सिन्हा के भतीजे ने बताया कि आतंकियों पर किए गए ये एयर स्ट्राइक हमारे जख्मों को भरने वाला मरहम है। भारत की इस कार्रवाई से पीओके में एक मैसेज दिया गया है कि आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा, खुद ठिकाना हटाए नहीं तो हम उड़ा देंगे। उन्होंने बताया कि हमें भरोसा है कि 42 जवानों के बदले मोदी जी 420 आतंकियों का शव भारत के लोगों को देंगे। हमें अपने बेटे और भाई की शहादत पर गर्व है। ऐसी कार्रवाई से हमारे जितने भी जवान हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। अब हमें पीएम मोदी से ये आश्वासन चाहिए कि एक भी आतंकी नहीं बचेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादियों के शिविर तबाह कर दिए। भारतीय वायुसेना द्वारा की गई इस कार्रवाई में 300 आतंकियों के मारे जाने की बात कही गई है। इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोलने वाले शत्रुघ्न सिन्हा के सुर भी बदल दिए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। शत्रुघ्न सिन्हा लंबे समय से बीजेपी में पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी करते रहे हैं। उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी के लिए केंद्र सरकार व नरेंद्र मोदी की लगातार आलोचना की है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकी शिविर पर कार्रवाई करने के बाद बदले माहौल में किसी तरह के आतंकवादी हमले से निपटने के लिए देश के अन्य एयरपोर्ट की तरह पटना एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसकी चार दीवारी के चारों ओर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। वॉच टावर पर तैनात जवानों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। बिना पहचान पत्र देखे या जांच पड़ताल के एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस कर्मियों को भी टर्मिनल भवन और सिक्योरिटी होल्ड एरिया में नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलवामा हमले के बाद से ही पटना एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर है। अब सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। इसी के साथ चुनाव प्रचार के लिए नेताओं से लेकर आने वाले हेलीकॉप्टरों की आवाजाही शुरू होगी। पिछले चुनाव के आंकड़ों को देखें तो पटना एयरपोर्ट पर हर दिन छोटे बड़े 40-50 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई, जिनमें छोटे डॉल्फिन हेलीकॉप्टर से लेकर बड़े अगुस्टा हेलीकॉप्टर तक शामिल थे। इस बार भी ऐसी ही संभावना है, पर इनके पार्किंग की अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है। पिछले चुनाव के दौरान इन्हें स्टेट हैंगर में खड़ा किया गया था, लेकिन अब उनकी स्थिति भी पार्किंग लायक नहीं है। कुछ नए प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन पूरा होने में समय लगेगा। साथ ही क्षमता भी सीमित होगी और छोटे बड़े 20 से 25 हेलीकॉप्टर से अधिक वहां खड़े नहीं होंगे।